Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के थर्ड चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अ राइट रिफॉर्मेशन. इसमें आप देखेंगे कि राइटर ओ हेनरी ने किस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली एक स्टोरी नरेट की है और उस स्टोरी में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक पर्सन अपनी लाइफ में चोरी की चीज़ों को छोड़ के कैसे आगे बढ़ता है. इस कहानी में आपको बता दूँ, इस कहानी में आपको स्टार्टिंग के जो कुछ पार्ट हैं वो मिसिंग करके दिए गए हैं, सो उसको मैं ऐड करते आपको बताना चाहूँगा. लेकिन फिलहाल यहाँ भी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. तो हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इसी तरीके के एनसीईआरटी के अपडेट्स मिलते रहें. ओके, चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं. मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन walk out of the prison into the sunshine, a free man, went to the cafe of Mike Dolan, who was alone behind the bar, and shook hands with him. Mr. James Valentine, जब जेल से छुट कर आते हैं तो जब जेल से छुट के आने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो अब वो एक फ्री मैन हो चुके हैं. अब फ्री मैन का मतलब क्या है कि अब वो एक मुक्त इंसान हो चुके हैं और अब उन्हें कोई काम नहीं है. ही वेंट टू द कैफे, और वो पास के कैफे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें माइक डॉलर मिलता है जो कि अलोन बिहाइंड द बार जेल के पीछे था, एंड शुक हैंड्स हिम है, और वो उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि सॉरी इस बार मैं आपसे मिलने नहीं आ सका. जिमी माई बॉय, जिमी इसका नाम है. माइक उसके बाद कहता है अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, फीलिंग ऑल राइट? तो जिमी कहता है फाइन, ओके अब मुझे मेरी की दो, मुझे मेरी चाबी दे दो. ही गॉट हिज कीज एंड वेंट अपस्टेयर्स, और उसके बाद वो अपनी चाबियों को लेता है और ऊपर जाता है. अनलॉकिंग द डोर ऑफ द रूम एट द रियर, और जब वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है, एवरीथिंग वॉज जस्ट ही हैड लेफ्ट, वो सब कुछ वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गया था. कौन? जेम्स वैलेंटाइन. इवन बेन्स प्राइस कॉलर बटन हैड बीन टर्न फ्रॉम डिटेक्टिव शर्ट व्हेन दे कम अरेस्ट जिमी वॉज स्टिल लैंग देयर. और इवन वो बता रहे हैं ब्रिंस प्राइस कॉलर बटन दैट हैड बीन टॉर्न, क्योंकि जो बेन प्राइस जो कि इस कहानी में पुलिस ऑफिसर है जो वहाँ उन्हें पकड़ने के लिए आया था, द डिटेक्टिव शर्ट वो भी वैसे का वैसे ही है जब जिमी वहाँ पे लेटा हुआ था. जिमी पुल्ड असाइड अ पैनल इन द वॉल एंड ट्रैक्ड आउट जस्ट डिस्कवर्ड सूटकेस. ही ओपेंड इट एंड गेज्ड फाउंडिंग एट द फाइनेस्ट सेट ऑफ बर्गलर टूल्स इन द कंट्री. और उसके बाद क्या करते हैं, जेम्स अपने अलमीरा को एक थोड़ा सा किनारे करता है, जो उसकी वॉल है उस वॉल के पास एक अलमीरा है उसको वो थोड़ा सा किनारे करता है, और किनारे करने के बाद उसे एक डस्ट कवर्ड सूटकेस मिलता है जिसे वो ओपन करता है. तो ओपन करने के बाद फाइनली उसे एक उसका खुद का बनाया हुआ बगलस टूल मिलता है जो कि पूरी कंट्री में सबसे फाइनेस्ट है चोरी करने के लिए. शॉर्टली आफ्टर द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन देयर वर नीट जॉब्स ऑफ से बर्बरी विद नो क्लू ऑफ प्रतिथी. और जल्द ही जब जेम्स वैलेंटाइन जेल से बाहर निकल आया तो ये था कि सिर्फ बलगड़ी मतलब लोगों के यहाँ एकदम सफाई से चोरी करने में जेम्स वैलेंटाइन का एक बहुत बड़ा योगदान था. बहुत बड़ा योगदान मीन कि वो कुछ इस तरीके से चोरी करता था कि लोग उसे पकड़ ही नहीं पाते थे. एंड द लॉसेस माउंटेन वर नाउ हाई इनफ टू ब्रिंग द मैटर अप इनटू ब्रिंस वाइज क्लास ऑफ वर्क. और जिस तरीके से चोरी होती गई वो अब बेन प्राइस तक पहुंची, कि बेन प्राइस एक बार उन्हें पकड़ चुके थे और अब बेन प्राइस के कानों में ये बात पहुंच चुकी थी कि जो जेम्स वैलेंटाइन है उन्होंने फिर से चोरियाँ करना स्टार्ट कर दी. उसके बाद हम देखते हैं आगे पेज नंबर 15 पे, दैट्स जिम वैलेंटाइन्स वर्क. और इस तरीके की जो चोरियाँ शहर में हो रही थी उन्हें ये अंदाजा लग गया कि ये काम किसी और का नहीं है बल्कि जिम वैलेंटाइन का है. ये रिज्यूम बिजनेस, उसने अपना काम जारी रखा है. ही गॉट ओनली क्लैम्स दैट कैन डू सच क्लीन जॉब्स. यस आई गेस आई वॉन्ट मिस्टर वैलेंटाइन. और वो ये कह रहे हैं कि ये काम किसी और का नहीं हो सकता, ये काम सिर्फ और सिर्फ जेम्स वैलेंटाइन का हो सकता है और वही इकलौता ऐसा पर्सन है जिसने ये काम किया होगा. एंड देन वन आफ्टरनून एन एलमोर सिटी जिमी लुकिंग लाइक एन एथलीट यंग स्टूडेंट जस्ट होम फ्रॉम कॉलेज वेंट डाउन द ब्रॉड फुटपाथ टूवर्ड्स द प्लैंडर्स होटल. और एक सुबह एक दोपहर में एलमोर सिटी में जिमी एक यंग स्टूडेंट की तरह एक कॉलेज बॉय के जैसा था
जो कि स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से सॉरी घर से कॉलेज, कॉलेज से घर आता जाता था। सो वहाँ पर वह प्लेंटर्स होटल के एक लंबे से फुटपाथ के बाहर खड़ा था। अ यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट, उसी वक्त एक यंग लेडी ने स्ट्रीट क्रॉस किया, पास इन द कॉर्नर एंड इंटर द डोर ओवर विच वॉज साइन द एलमोर बैंक। तभी एक लेडी उसके पास से होकर गुजरी और उसने एक रूम में इंटर किया जहाँ पर एक दो साइन बोर्ड लिखा था द एलमोर बैंक। जूमी वैलेंटाइन लुक्ड हर आईज फॉरगेट व्हाट ही वाज एंड बिकम अनदर मैन। और जूमी वैलेंटाइन उस वक्त भूल गया कि वो क्या है और वो काफ़ी बदल चुका था। ही स्लोवर्ड हिज आईज एंड कलर्ड स्लाइटली, यंग मैन ऑफ जिमी स्टाइल एंड लुक वर स्कार्स इन एलमोर सिटी। और जूमी वैलेंटाइन जब अपने आप को काफ़ी यंग फील करने लगा तो उसे ये रियलाइज नहीं हुआ और वो उस एलमोर सिटी में एलमोर सिटी को काफ़ी पसंद करने लगा। जिमी called a boy that was loafing on the steps of the bank and began asking him a question about the town, feeding him coins at intervals. By and by, the young lady came out and went her way. इसके बाद क्या किया, जिमी ने भी अपने कदमों को बैंक के भीतर बढ़ा लिए और बैंक के भीतर जैसे ही वो इंटर करता है तो वहाँ पे वो उस शहर के बारे में क्वेश्चन करने लगता है बैंक वालों से। क्या क्वेश्चन करता है, फीडिंग हिम कॉइंस एट इंटरवल। और उसके बाद मतलब क्वेश्चन ये करना कि यहाँ पर मेरा बिजनेस वगैरह चल पाएगा कि नहीं। इसी दौरान वो यंग लेडी वहाँ आती है, वहाँ से वो चली जाती है। इज इट दैट यंग लेडी पॉली सिम्पसन, आस्क्ड जिमी, क्या ये पॉली सिम्पसन है। तो वो सेड द बॉय शी इज एनाबेल एडम्स। सो वहाँ एक लड़का कहता है नहीं ये एनाबेल एडम्स है, हर पा ओन्स हिज बैंक, उनके पिताजी ये बैंक चलाते हैं। मोर पॉइंट्स फिल द बॉयज पॉकेट एज जिमी एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनाबेल एडम्स। और उसके बाद जैसे ही वो उस लड़के से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो उस लड़के को मतलब जिमी उस लड़के को और सारे पॉइंट्स निकाल के दे देते हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं, उसे और ज़्यादा पॉइंट्स निकाल के दे देते हैं। ठीक है, अब नाउ जस्ट टर्न पेज नंबर 16। जिमी वेंट टू द प्लेंटर्स होटल रजिस्टर्ड एज राल्फ एल राल्फ डी स्पेंसर एंड एंगेज्ड अ रूम। ही लीन्ड ऑन द डेस्क एंड डिक्लेयर He had come to Elmore to look for location to go into business. How was the shoe business now in town? Was there an opening? तो जिमी क्या करता है, वो प्लेंटर्स होटल में आता है और अपना नाम रॉल्फ डी स्पेंसर के नाम से रखता है और एक कमरा ले लेता है। और अपने डेस्क पर जब वो बैठ जाता है तो वो ये पूछना करता है कि वो एलमोर में एक ऐसी जगह के बारे में सर्च कर रहा है जहाँ पर वो अपना बिजनेस कर सके। और इस सिचुएशन में वो ये सवाल करता है कि क्या यहाँ पर शू का बिजनेस चलेगा, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपनी दुकान खोल सकता है। द क्लर्क वॉज इम्प्रेस्ड बाय जिमी क्लॉथ्स एंड मैनर एंड यस देयर ऑट टू बी अ गुड ओपनिंग इन शू बिजनेस। मिस्टर स्पेंसर वुड फाइंड एलमोर अ प्लीजिंग टाउन टू लिव इन। और इसके बाद जो क्लर्क है वो उनकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि यस आप बिल्कुल सही जगह आए हो और यहाँ पर शू बिजनेस करना काफ़ी फायदे का सौदा होगा और मिस्टर स्पेंसर अगर यहाँ रहेंगे तो उन्हें इस टाउन से प्यार हो जाएगा। मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर रिमेन इन एलमोर एंड प्रॉस्पर, ही ओपन द शू शॉप एंड सिक्योर्ड अ गुड रन ट्रेड। और उसके बाद मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर वो उस जगह पर रह जाते हैं और उस जगह पर रहने के बाद उनको उस जगह से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे वो अपना एक अच्छा बिजनेस वहाँ चलाने लगते हैं और उन्हें काफ़ी फायदा होता है। सोशली ही वॉज अ सक्सेस एंड मेड मैनी फ्रेंड्स। He accomplished wish by his heart. He met Annabel Adams and become more and more captivated by her charms. और उसके बाद वो वहाँ पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बनाते हैं और वो सभी के दिल जीत लेते हैं और जल्द ही Annabel Adams के भी वो काफ़ी करीबी हो जाते हैं और Annabel Adams भी उन्हें काफ़ी पसंद करने लगते हैं। At the end of the year, the situation of Ralph Spencer was this. He had won the respect of community. His shoe shop was flourishing and he and Annabel were engaged to be married in 2 weeks. और इसका रिजल्ट ये था कि एक साल के भीतर ही राल्फ स्पेंसर वहाँ के एकदम प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनकी गिनती होने लगती है, उनका शू शॉप काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है और वो और Annabel कुछ अगले दो हफ्तों में वो शादी करने वाले हैं। सो एक दिन वन डे जिमी सेट डाउन हिज रूम रोड दिस लेटर विच ही मेड टू द सेम एड्रेस वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड जो कहाँ रहता था सेंट लुइस में। एक बार वो अपने मित्र को कमरे में बैठकर एक पत्र लिखते हैं जो कि सेंट लुइस में रहता है। पत्र में उन्होंने क्या लिखा, डियर ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने प्रिय मित्र, वी द सुलिवन्स प्लेस इन लिटिल रॉक नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट एट 9 o'clock. आई वॉन्ट टू मेक यू प्रेजेंट
of my kit of tools bill. I have quit the old business. So I have quit the old business a year ago. It's the only life, the straight one. Be sure to be silly. For I must see you. I bring along the tools with me. Your old friend Jimmy. और फिर वो कहता है कि यहाँ पर रहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सुलिवन प्लेस इन द लिटिल रॉक, अगले बुधवार की रात को ठीक 9 बजे तुम वहाँ पर आ जाना। मैं तुम्हें अपना एक लिटिल किट प्रेजेंट करूँगा जो दुनिया का सबसे बेस्ट किट है, और वो किसे कह रहे हैं, बिली से। मैं अपना अब पुराना बिजनेस छोड़ चुका हूँ 1 साल पहले ही, और अब जो मेरे पास लाइफ है वो काफ़ी प्रतिष्ठित लाइफ है, और मैं लाइफ के लिए सिक्योर हो चुका हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। सो मुझे उम्मीद है कि तुम सुली में आ जाओगे, मैं तुम्हें अवश्य देखना चाहूँगा, और मेरे साथ मेरे पास जो टूल्स हैं वो टूल्स मैं तुम्हें देना चाहूँगा। अब उसके बाद जल्द ही बेन प्राइस भी वहाँ पर आ जाते हैं, और ही ड्रो अराउंड टाउन्स हिज वे अंटिल ही फाउंड आउट व्हाट ही वांटेड टू नो। गोइंग टू मैरी अ बैंकर्स डॉटर आर यू जिमी, सेड बेन टू हिमसेल्फ सॉफ्टली, व्हेन आई डोंट नो। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और पहुँचते ही वो जिमी से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं कि अच्छा अब तुम बैंकर्स की बेटी से शादी करने जा रहे हो, ठीक है, सॉफ्टली और वेल आई डोंट नो। तो जवाब आता है कि ठीक मुझे नहीं पता। अगली सुबह क्वाइट अ फैमिली पार्टी डाउन टाउन टुगेदर, मिस्टर एडम्स, एनाबेल, जिमी एंड एनाबेल मैरिड सिस्टर विथ हर टू लिटिल गर्ल एज 5 और 9। और उस अगली सुबह एक फैमिली पार्टी है जहाँ पर मिस्टर एडम, एनाबेल, जिमी और एनाबेल की एक मैरिड सिस्टर भी हैं जिनकी 2 बेटियाँ जो 5 साल की और 9 साल की हैं। दे केम बाय द होटल वेयर जिमी वॉज स्टेइंग। ही रैन अप टू हिज रूम एंड ब्रॉट अलॉन्ग हिज सूटकेस। जिमी वॉज गोइंग टू लिटिल रॉक टू रिटर्न सम गुड्स। देन दे वेंट ऑन टू द बैंक। और उसके बाद दे केम बाय होटल वेयर जिमी वॉज स्टेइंग। और वो उस जगह पर आते हैं जहाँ पर जिमी रुका हुआ था, और उसी वक्त जिमी अपने साथ एक सूटकेस भी लिया हुआ है। और जिमी कहाँ जा रहा है, गोइंग टू लिटिल रॉक टू रिटर्न सम गुड्स, जो उसके पास सामान है वो उनको लौटाने जा रहा है। दे वेंट ऑन टू द बैंक, और उसके बाद वो बैंक जाते हैं। द एलमोर बैंक हैड जस्ट पुट अ न्यू सेफ एंड वॉल्व एंड मिस्टर एडम वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड एक्सप्लेन ऑफ वर्किंग टू मिस्टर स्पेंशर हु सोल्ड द कर्टियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्ट। अब मिस्टर एडम उनके बैंक, उनके एलमोर बैंक में एक बहुत ही सेफ बैंक में आया, और वहाँ पर वो लोगों को दिखाते हैं कि ये बहुत ही सेफ है और बहुत ही सुरक्षित है। बट मिस्टर स्पेंटर, जो मिस्टर स्पेंसर हैं, बहुत ही कर्टियस हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटेलिजेंस, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और द टू चिल्ड्रेन मी एंड अगाथा वर डिलाइटेड बाई शाइनिंग मेटल एंड फनी क्लॉक एंड नॉब्स। लेकिन वहाँ पर 2 बच्चे जिनका नाम है मी और अगाथा, वो उस चमकते हुए मेटल्स और फनी क्लॉक्स और नॉब्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो, ये पूरा है ना, मेटल्स एंड क्लॉक्स एंड सम अदर थिंग्स, दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 17। बेन प्राइस सॉन्टेड इन एंड ऑन हिज एल्बो लुकिंग कैजुअली इनसाइड ही टोल्ड द टेलर दैट ही डिडंट वांट एनीथिंग, ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ मैन ही न्यू। सो बेन प्राइस वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जाते ही वो क्या करते हैं, थोड़ा हल्के मूड में पूछताछ करते हैं कि मैं यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को सर्च कर रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ। सडनली देयर वॉज अ स्क्रीम फ्रॉम अ वुमेन एंड कमोशन अनप्रिसीव्ड बाय द एल्डर्स मे अ 9-year-old गर्ल स्ट्रीट ऑफ अ प्ले हैड शाउट अगाथा हेड शॉट अगाथा इन द वर्ल्ड। और तभी अचानक सीन चेंज हो जाता है, और सीन क्या चेंज हो रहा है कि वहाँ पर एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें किस तरीके की, अनप्रिसीव्ड मतलब नॉट नोन्स बाय द एल्डर्स, जो कि लोग बड़े लोगों के द्वारा नोटिस किया गया। अब मी जो कि 9 साल की बच्ची है, खेलते खेलते उसने क्या किया, हेड शॉट अगाथा इन द वर्ल्ड, उसने अगाथा को उस वर्ल्ड में बंद कर दिया। द ओल्ड बैंकर स्प्रैंग टू द हैंडल एंड टक एट इट फॉर अ मोमेंट, द डोर कांट बी ओपन ही ग्रोन। अब उनकी आवाज़ में दुख है, और वो कहते हैं कि ये काफ़ी सेफ है और इसे ओपन नहीं किया जा सकता। द क्लॉक हैज़न्ट बीन वून नॉट टू कॉम्बिनेशन सेट, और जब तक घड़ी की सुइयाँ बराबर नहीं हो जा रही तब तक इसे नहीं खोला जा सकता। एक्चुअली वो जो वॉल थी ना, वो जो वॉल था वो एक्चुअली कुछ इस तरीके से था कि जब घड़ी की सुइयाँ बराबर होंगी, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएंगी, तभी वो खुल सकता है, अदरवाइज वो ओपन नहीं हो सकता। अगाथा मदर स्क्रीम्ड अगेन स्ट्रिक्टली,
और अब अयाथा की जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा दुख के मारे चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। देयर इज़ंट अ मैन नियरर देन लिटिल रॉक हु कैन ओपन द डोर, सेड मिस्टर एडम्स इन अ शेकी वॉइस, माय गॉड स्पेंशल, व्हाट शैल वी डू। क्या कोई ऐसा नहीं है जो कि इसे इस दरवाजे को ओपन कर सके, मिस्टर एडम शेकी वॉइस में कहते हैं। हे भगवान स्पेंशल, व्हाट शैल वी डू, हम क्या कर सकते हैं। स्पेंशल जो कि वहीं पे खड़े थे, दैट चाइल्ड शी कांट स्टैंड इन लॉन्ग देयर, देयर इज इट इनफ देयर एंड बिसाइड शी विल गो ऑन इन टू कॉन्वेल्सियस फ्रॉम फ्राइड। और वो कहते हैं कि वो बच्ची तो वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़ी भी नहीं रह सकती क्योंकि वहाँ पे हवा भी नहीं है, और अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे रही तो उसकी फ्राइड वो बहुत ज़्यादा अचेतन हो सकती है, उसे बेहोशी भी आ सकती है। अगाथा मदर फ्रेंटिक नाउ, अब वो भयभीत हो रही हैं, बीट द डोर फ्रॉम द वर्ल्ड हर हैंड्स एंड समबडी वर्डली सजेस्टेड डायनामाइट। एंड आई विल टर्न टू जिमी, हर लार्ज आइज फुल ऑफ एंग्विश बट नॉट येट डिस्पेयरिंग, टू अ वुमन नथिंग सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू पावर्स ऑफ अ मैन शी वर्शिप। और उसके बाद अगाथा की मदर जब उस डोर को पीटने लगती हैं तभी अचानक समबडी वर्डली सजेस्टेड डायनामाइट, तभी एक अलग सा विचार आता है। एनाबेल जिमी की तरफ टर्न होती हैं, उसकी बड़ी बड़ी आंखें फुल ऑफ एंग्विश एक उम्मीद की तरह से देखती हैं, नॉट इट डिस्पेयर टू अ वुमन नथिंग सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल ऑफ पावर्स ऑफ अ मैन शी वर्शिप, क्योंकि वो जिस इंसान की पूजा करती है वो रॉक डी स्पेंसर से काफ़ी प्यार करती है, तो उससे लगता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कैन यू डू समथिंग रॉल्फ, ट्राई विल नॉट यू। और उसके बाद वो कहती भी है कि क्या तुम कुछ कर सकते हो रॉल्फ, तुम कोशिश क्यों नहीं करते। ही लुक एट हर विद अ क्यूर्ड सॉफ्ट स्माइल एट हिज लिप्स एंड हिज कीन आइज। और उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है, हल्की सी एक मुस्कुराहट उसके होठों पर आती है और कीन आइज, और उसको वो अपनी आंखें उस पर लगा देता है। एनाबेल ही सैड, वो कहता है एनाबेल Give me the rose you are wearing, will you? He unpinned the bird and placed in the hand. Jimmy stuffed it into the vest pocket, thrifted his coat and pulled up his shirt sleeves. With the act, Ralph D. Spencer passed away and Jimmy Valentine took his place. और वो कहता है एना बिल, जो रोज तुमने पहना हुआ है वो मुझे दे दो। और उसके बाद she unpinned the bird, और उसके बाद वो क्या करती, वो जगह उसके हाथ में सौंप देती। Jimmy stuffed it into vest pocket, वो अपने उसे जेब में डाल लेता है, और उसने जो कोट पहना है वो उसे निकाल देता है, अपने शर्ट्स को भी वो फोल्ड कर लेता है, ऊपर तक चढ़ा देता है। और उसके बाद रॉल्फ डी स्पेंसर वहाँ से परिवर्तित हो जाता है, किसने, जिमी वैलेंटाइन में। गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू, ही कमांडेड शॉर्टली, तुरंत कहता है कि यहाँ से चले जाओ सभी लोग दरवाजे के पास से। ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल, ओपनड इट आउट फ्लैट, फ्रॉम दैट टाइम ही सीम्ड टू बी अनकॉन्शियस प्रेजेंट ऑफ एनीवन एल्स। ही लेड आउट ऑफ शाइनिंग क्विड इम्प्लेंट स्विफ्टली ऑर्डरली विस्लिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही ऑलवेज डिड व्हेन एट वर्क इन अ डीप साइलेंस इमोवेबल द अदर्स वॉच्ड हिम एज अंडर हिम एज इफ अंडर हिज स्पेल। और उसके बाद क्या करते हैं, उस टेबल पर वो अपने सूटकेस को लगा देता है, और उस टाइम वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, अचेतन हो जाता है कि उसके आसपास की चीज़ें क्या हो रही हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि वो वहाँ से अपने जो शाइनिंग्स और बहुत ही ज़्यादा ऑर्डरली सजा के रखे हुए उसके खुद के जो औजार हैं उनको निकालता है, और काम करते वक्त वो हल्की हल्की सीटियाँ बजाने स्टार्ट कर देता है जैसा कि वो हमेशा करता है, और पूरे के पूरे कमरे में एक चुप्पी सी है, एक बहुत ही शांति छाई हुई है। इन अ मिनट, कुछ ही मिनट के भीतर जिमी पेट फील वॉज ब्रीटिंग स्मूथली इन स्ट्रीट डोर, और जिमी क्या करता है वो स्ट्रीट डोर के पास वहाँ पर पहुँच जाता है, और 10 मिनट के भीतर ही अपना खुद का रिकॉर्ड, मतलब आज तक कभी उसने कोई भी जो दरवाजा है उसे 10 मिनट के भीतर नहीं खोला, बट इसे वो काफ़ी जल्दी खोल देता है। ही थ्रू बैक हिज बोल्ट्स एंड ओपन द डोर, और उसके बाद वो वहाँ की बोल्ट्स को निकाल फेंकता है और दरवाजे को ओपन करता है। अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड बट सेफ, अगाथा लगभग अचेतन हो चुकी थी, लेट चुकी थी, लेकिन वो सुरक्षित थी। वॉज गैदर्ड इन टू हर मदर्स आर्म, और अब अपनी मम्मा के बाहों में थी। जिमी वैलेंटाइन पुट ऑन हिज कोट एंड वॉक टूवर्ड्स द फ्रंट डोर, एज ही वेंट ही थॉट ही हर्ड अ फॉरवे वॉइस दैट ही न्यू कॉल रॉल्फ, बट ही नेवर हेजिटेट। जिमी वैलेंटाइन अपना कोट पहनता है और सीधे दरवाजे से जब वो बाहर निकलता है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ही बर्फी सी आवाज़, जिसने उसे रॉल्फ कहा, लेकिन वो हेजिटेट, वो भयभीत नहीं हुआ, वो हिचकिचाया नहीं। दरवाजे के पास ही एक बड़ा सा आदमी वहाँ पर खड़ा था, कहता है हेलो बेन, सैड जिमी। जिमी कहता है हेलो बेन स्टिल विथ स्ट्रॉन्ग स्माइल, गॉट अराउंड एट लास्ट, हैव यू बिन, लेट्स गो। और उसके बाद कहता है अच्छा अंततः तुमने मुझे पकड़ लिया, चलो चलते हैं। आई डोंट नो दैट इट मेक्स सम डिफरेंस नाउ, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बदल गया होगा। सो जो बेन प्राइस है वो क्या कहते हैं, आपको मुझे लगता है कि मिस्टर स्पेंसर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो आपको जानता भी नहीं,
और इतना कहते ही वेन प्राइस रिटर्न स्ट्रोल डाउन टू द स्ट्रीट और वेन प्राइस वहाँ की सड़कों से निकल जाते हैं। ये रही पूरी ओवरऑल समरी दोस्तों। इसके अलावा भी मैं आपसे हमेशा यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं इसी तरीके से क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। और इसके अलावा आपको कोई भी अपडेट चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस चैनल। टिल देन बाय, साइनिंग आउट टुडे एंड लव यू ऑल एवरीवन।